बिहार एनडीए में जिस तरीके से इन दिनों एक दूसरे के प्रति सहयोगी बयानबाजी कर रहे हैं, यूं कहे तो जुबानी जंग चल रही है, उस बीच चिराग पासवान का एक बड़ा बयान आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे, सरकार गिरने वाली है, नीतीश कुमार जो है वो आउट हो जाएंगे। पूरे बयान को सुने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। और मुझे लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पर चल रही थी उसका पतन बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी यहाँ पर। क्या आपने जो दावा किया था कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे तो क्या ये आसार दिखने शुरू हो गए हैं? मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कोरोना की वजह से जो यात्रा मुख्यमंत्री जी की, जिस तथाकथित, मैं इसको तथाकथित ही बोलूँगा समाज सुधार, क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहारियों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी को ऐसी किसी यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल जिस तथाकथित समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले थे, ऐसी यात्राओं पर अमूमन वो तभी निकलते हैं जब वो खुद चुनाव की तैयारियों में लगते हैं। वैसे हम लोग मुख्यमंत्री जी को, बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते हों या किसी परिवार से, पीड़ित परिवार से, जहरीली शराब से नालंदा में ही कितने लोग मर गए, उनका गृह जिला, पर आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहीं नहीं देखा कि वो कहीं आए जाएँ। तो वो ऐसी यात्रा पर तभी निकलते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है, और उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं, चुनाव की तैयारी में वो लग चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में लाने, देखिए हर उस नेता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा, पर मैं बार बार मैं इस बात को मैं कहता रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि फिलहाल मेरे लिए मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई मजबूती देना, संगठन के स्तर पर इसको मजबूत करना, पूरी नई प्रदेश कमेटी हम लोग की तैयार हुई है और नए सिरे से हम लोग संगठन के कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी आज की तारीख में मेरी पूरी प्राथमिकता पार्टी के विस्तार, संगठन को मजबूत करना, और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की बात तब होगी जब कोई चुनाव आएगा। एमएलसी चुनाव में पार्टी ने पुनः फैसला लिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बीच में मध्यवर्ती चुनाव नहीं होता तो आगामी 24 में जो चुनाव होंगे गठबंधन की चर्चा उस वक्त की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम लोग, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले और दूसरे फेज के कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सिंबल को लेकर थोड़ा सा इशू था क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज कर दिया गया था, और अभी जो टेम्परेरी